नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरी YouTube चैनल द इंस्पायरमेंट्स। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बायजूस में टीचिंग के लिए कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे बायजूस टीचिंग जॉब, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारा लिंक आ जाएगा। अब लिंक आने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर ये सेकेंड लिंक है, करियर्स एट बायजूस, आप इसको ओपन करोगे। तो जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर बोलेगा व्यू ऑल जॉब्स का ऑप्शन आएगा, इसमें आप अप्लाई कर दोगे। जैसे ही करोगे तो आपको क्या करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या आपको बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट में जाना है, या आपको ब्रांड मार्केटिंग का काम करना है, मतलब जो भी काम है आप इस जो भी जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप एकेडमी के लिए, मतलब अगर पढ़ाने के लिए जाना है तो व्यू जॉब में जाएंगे आप, क्योंकि आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो टीचिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा आपको पार्ट टाइम के लिए, एकेडमिक स्पेशलिस्ट पार्ट टाइम, एकेडमिक स्पेशलिस्ट फुल टाइम, या ट्यूटर, होम ट्यूटर, या अगर आपको ITJEE या फाउंडेशन नीट के लिए, कोई कोई फाउंडेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई ट्यूशन सेंटर में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी, बायजूस का ट्यूशन सेंटर भी होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में जाएंगे आप, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसमें सारा डिटेल दिया रहेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको स्टूडेंट को हेल्प करना होगा कि हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पूरा चीज़। और उसके बाद ये आपका पूरा डिटेल आप जा करके पढ़ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपको आपके पैशन होना चाहिए आपको टीचिंग का, आपका आपका मैथ और साइंस, मैथ पढ़ाना चाहते हैं या साइंस पढ़ाना चाहिए, तो 4 से 10 तक एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, रिटेन प्लस वर्बल। ठीक है, ये कंपनी जो है, आप अगर आपका अंडर अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, और वर्क लोकेशन क्या है, वर्क फ्रॉम होम ही है। ठीक है, पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जो सैलरी होगी वो 25 की मिलेगी और प्लस कंपनसेशन के तौर पर 3,000 रुपये मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप जा करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फिर आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई जॉब का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो आपको ये एक गूगल फॉर्म आ गया। ठीक है, आपको रोल रोल क्या करना है, एकेडमिक स्पेशलिस्ट ट्यूटर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी, क्या क्या होना चाहिए, मस्ट बी UGPG इन साइंस मैथ बैकग्राउंड, शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन दीज लैंग्वेज, है ना। वर्किंग टाइम क्या होगा आपका, 3 PM टू 9 PM। ठीक है, इवनिंग टाइम में, मतलब अगर आप पार्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो ये इवनिंग टाइम में। सैलरी आपको 25,000 वो मिलेगा, प्लस 3,000 वो था, तो यहाँ पर टोटल हो गया 28,000। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्लासेस लेना पड़ेगा, कंडक्टिंग ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लासेस, क्लैरिफाइंग डाउट्स, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट इन ग्रेड 4 to 10 आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग एरर फ्री स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन रेज बाई द स्टूडेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्टैंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। यहाँ पर आया जाएगा और आप क्या करोगे, यहाँ पर ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप फिल कर लोगे। जैसे गूगल फॉर्म में पहले आपको अपना ईमेल डालना, जैसे मेरा ईमेल डालना हुआ है और ये मेरा नाम डाला हुआ है यहाँ पर, 10 डिजिट का नंबर, आप यहाँ से अपना DOB डाल दोगे। ठीक है, DOB डालने पर, जैसे मेरा DOB है, ईयर में अगर जाएंगे तो आप जैसे जो भी होगा, DOB डालने के बाद आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डाल सकते हो कि आपने BA, जैसे मेरा BTech है तो मैंने BA और BTech पर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो, किस लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज एडिशन इंग्लिश के साथ में आप कौन बोलना चाहते हो, जो भी हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर और फिर उसके बाद क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका बोलेगा, जैसे मेरा है 2 से 4 ईयर्स तक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपने जैसे ये रेफरल पूछेगा कि वेयर डू यू हियर अबाउट द ओपनिंग, तो जैसे कि मैं आप अगर यूट्यूब से आप देखना चाहते हो, मेरा रेफरल भी लिख सकते हो कि कौन है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के बारे में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में और बताऊंगा। थैंक यू।